बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना काफी ज्यादा कुछ मिस कर जाओगे। तो क्या हालचाल मेरे भाई लोग, तो कैसे अपने भाई लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे सारे कमाल के। भाई यार बिना किसी टाइम उसके पहले अपने टॉपिक पे चलते, जो मेन टॉपिक है, तो ये आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि भाई सेमी वर्सेस अमन का लगा फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है। यस बॉस, यस यस यस, सही सुने हो, फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुका है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, राजदीप भाई क्यों स्टार्ट हो चुका, ये सारा कुछ आपका राजदीप भाई बताएगा। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पूरा वीडियो इन तक देना मजा आने वाला। तो यार जैसा कि कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुआ था, लक्ष्य और सेमी का लेकर के स्टार्ट हुआ था कंट्रोवर्सी। जिसने पहले का वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, लिंक आपको आई बटन में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन ऑप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके वो कंट्रोवर्सी पहले कवर कर लेना। हाँ, वो लक्ष्य और सेमी का जो कॉपी वाला सॉन्ग था वो कंट्रोवर्सी हुआ। तो उसी दिन अमन कलाकार ने लाइव आया अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है, अमन कलाकार लाइव आया इंस्टाग्राम पे, तो उसमें काफ़ी सारी बातें बोली सेमी को लेकर के, सेमी को लेकर के 50% वो लाइव में सेमी के लेकर बात कर रहे थे कि सेमी ऐसा है वैसा है वैसा है, सेमी को लिरिक्स लिखने नहीं आता, सेमी कॉपी करता है, कॉपी पेस्ट है, ये वगैरह वगैरह। और भाई अमन कलाकार, सही बताओ तो अमन कलाकार का भाई यार सॉन्ग एक लेवल टाइप का होता है, मतलब कि वो हिप हॉप टाइप का लिखता है और कमर्शियल भी लिख देता है बंदा। और सेमी का कहना है कि मैं कमर्शियल ही बनाऊंगा, हिप हॉप नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सेमी भी अपनी जगह में सही है, सेमी अगर ये अपने तरफ से बोल रहा है कि मुझे कमर्शियल ही बनाना है क्योंकि मेरे ऑडियंस को कमर्शियल सॉन्ग ही पसंद है, तो इसमें आप जज नहीं कर सकते, उसे फोर्स नहीं कर सकते, नहीं आपको हिप हॉप बनाना होगा, तो ठीक है, ये मैटर नहीं करता। जिस बंदे को जो भी मन कर रहा है उस टाइप से वो सॉन्ग बना सकता है, ठीक है। तो भाई ये तो हो चुका है। इन दो के बाद अमन कलाकार ने काफ़ी सारी बातें कही थी, जो भी होगा वो मैं दे दूंगा आप लोग को। बट लेकिन आज जो है सेमी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया जो कि ये बताना तो बेहद बनता है, डायरेक्ट अमन कलाकार को टेक करते हुए, ठीक है, ये है डैश के हिप हॉप आर्टिस्ट, लड़की को डैश करना छी छी है, मैं भाई मैं हिप हॉप नहीं करता, सही बात है मैंने पहले बोल दिया, ठीक है, लेकिन ऐसे वाहियात गाने भी नहीं मेरे कभी नहीं निकाले लड़की को, लड़की के खिलाफ, सही है, वो तेरी भी बहन होगी तो कैसा, सही है बस, सही है वो। बट नेक्स्ट स्टोरी में जो अमन कलाकार के ऊपर टेक करके, अमन कलाकार को टेक किया जा रहा है, ये डैश यही सब वर्स लिख सकता है लड़की के खिलाफ, ठीक है। बट लेकिन ये जो जो लगाए हैं सेमी ने स्टोरी में, किसी इंसान ने अमन कलाकार का हाई जो सॉन्ग था उस पर रोस्ट किया हुआ, क्योंकि उसमें जो अमन कलाकार ने एक में जो चुतिया बनाया था हम लोग को, एक पॉइंट में एक लाइन में हम लोग को चुतिया बना दिया था, वो सॉन्ग लिखे, बट लेकिन इन्हें बता दिया कि ये लिख करके अपना फैंटसी बता करके, इस से बता करके लोगों को चुतिया बताया। तो भाई उसने एंड में बता दिया था कि मैंने चुतिया बनाया, मैंने सबका काटा, ठीक है यार, सभी रिएक्शन चाहने वाले उस टाइम शॉक्ड हो चुके थे ये क्या बोल रहा है, और एंड में उसने सारा चीज क्लियर कर दिया कि ये मैंने चुतिया बनाया, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता। तो सेमी ने अपने इंस्टाग्राम में जो स्टोरी लगाया ये सही है या गलत है ये मैं बताना चाहता हूँ। और अमन कलाकार ने, देखो भाई अमन कलाकार ने भी लाइव में आकर के काफ़ी सारी बातें कही थी, वो भी गाली देके ही बोल रहा था, ठीक है। तो अमन का सेमी ये दोनों का शुरू से फाइट चलते आ रहा। और हाँ भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक काफ़ी तड़कता वड़कता वाला एपिसोड में डालने वाला हूँ, कल रात को शायद वो आ जाए, कल नहीं तो परसों रात को डेफिनेटली वो आने वाला है मेरे चैनल पर, रात को 9 से 10 बजे तक में आ जाएगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाँ जोर के रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वो एपिसोड आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और काफी सारी इंटरेस्टिंग वाली बातें होने वाली, काफी तड़कते भड़कते वाली बातें होने वाली है। तो प्लीज डोंट मिस मत करना कभी भी वो एपिसोड को। तो भाई ये हो चुका है क्लियर, अमन कलाकार और सेमी का वर्सेस फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है मे बी अमन कलाकार भी स्टोरी लगाए, ठीक है, डैश 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 जो भी हो, जैसा भी अपडेट होगा आपका राजीव भाई देगा। खैर ये सेमी और अमन कलाकार के बीच में फिर से कंट्रोवर्सी हो चुका है, सेमी ने जो स्टोरी लगाया वो सही भी लगाया, बट लेकिन माँ के ऊपर उस सेमी अगर इतना रिस्पेक्ट करते हैं लड़की को तो मेरे अकॉर्डिंग सेमी को ये गाली डैश दे देना चाहिए था वहाँ पर, बट लेकिन कोई बात नहीं, अगला बंदा भी ओपन ही दे रहा था तो फिर सेमी ने भी ओपन दिया। तो आप लोग को क्या जज करना है, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है तो कॉमेंट करके बताओ, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, एपिसोड देखना बिल्कुल मत मिस करना भाई लोग, बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना काफ़ी ज़्यादा कुछ मिस कर जाओगे। तो बाय बाय।